मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। देखो, मैं अपने प्रधान संदेश ले जाने वाले दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और वह प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बन बैठेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी, और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं यहोवा तो बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम तो मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और मैं तुम्हारे कारण नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम्हारी सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिटाई की बात कही है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध आपस में क्या कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है, और हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? और अब हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन में लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे।